यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय नान्य पन्था विद्यते अयनाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, आपके मध्य में मैंने अविद्या के चार भाग बताए थे और उसमें पहला भाग था अनित्य को नित्य और बोलो नित्य को अनित्य मानना। ये बात समझ में आ गई। दूसरा भाग है जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानना। ये बहुत बड़ी अविद्या है जो सारे समाज में फैली हुई है दूर दूर तक। जड़ और चेतन के भेद को मनुष्य समझ नहीं रहा है, इसलिए जड़ को चेतन माने बैठा है और चेतन को मानने को तैयार नहीं है। अब देखो जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब जड़ हैं या चेतन है? जड़ है। चाहे वो मिट्टी से बनी है, चाहे लोहे से बनी है, चाहे पत्थर से बनी है, चाहे सोने चांदी की बनी है, पर उनको किस भाव से पूज रहे हैं लोग? जैसे चेतन हो, भोग लगाना, स्नान कराना, नैवेद्य चढ़ाना, पंखा चलाना, पंखा जलना, कितना बड़ा। अच्छा अब इसको क्या कहेंगे आप, ये विद्या है क्या विद्या? अब देखो कितने विद्या में फंसे हुए लोग। मजारों पर जाना, मजारों पर चादरें चढ़ाना, 33 कोटि देवता को 33 करोड़ देवता बना लिए। कोटि में नहीं प्रकार होता है, इन्होंने कोटि में नहीं करोड़ कर लिया। और महापुरुषों को इन्होंने ईश्वर बना लिया, मान लिया ईश्वर, क्योंकि दुनिया में ईश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदियश। महद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने काशी में जाकर के, जो काशी ऐसा गढ़ है जहां मूर्ति पूजा जहां से मानो प्रारंभ होती है, काशी के पंडित सारी दुनिया को व्यवस्था देते हैं, वहां जाकर के कहा कि देखो ये चारों वेद मेरे पास हैं, चारों वेद, और चारों वेदों में एक भी मंत्र ऐसा आप दिखाएं जिसमें सिद्ध होता हो कि ईश्वर की मूर्ति होती है। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती थी बंधु। जिन वेदों का नाम लेकर के आप मंत्रों को बोलते हो कि ये मूर्ति पूजा का मंत्र है, ये बुद्ध का मंत्र है, शनि का मंत्र है, एक भी जगह बताओ कहीं इसका अर्थ करके कि ये मंत्र मूर्ति पूजा परक है या ईश्वर की प्रतिमा परक हो। आपको आश्चर्य होगा अनेकों पंडित मिलकर के भी नहीं बता सके। और जब काशी में स्वामी जी कई बार चले गए और जब गए लास्ट में
तो फिर राजा ने कहा देखो दयानंद सरस्वती कई बार आ गए हैं और तुम सारे के सारे बहुत मजे मार रहे हो, सारे पंडित राजलक्ष्मी का भोग कर रहे हो, यहाँ से धन पाते हो, कमीशन पाते हो, पैसा पाते हो, मंदिर में चढ़ावा खाते हो, पर तुम सब मिलकर के भी दयानंद की बात को उत्तर नहीं दे पाए, तुम्हें धिक्कार है। तब पंडित बोले हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए, जब राजा ऋष्णु प्रसाद नारायण सिंह ने कहा, और आपको आश्चर्य होगा एक तरफ लगभग 30 पंडित थे, 30 ऋष्णानंद अकेले थे, और विषय क्या था, वेदों में मूर्ति पूजा दिखाओ। पर आप आश्चर्य करोगे काशी का एक भी पंडित एक भी मंत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि वेद में तो निराकार परमेश्वर की उपासना का विधान है, मूर्ति पूजा तो विधान ही नहीं है। तो प्रश्न किया मूर्ति पूजा कहां से चली, मूर्ति पूजा आपके मन में प्रश्न हो सकता है मूर्ति पूजा कहां से चली। हम तो देखते हैं कि मूर्ति पूजा चारों ओर होती है और हर जगह हो रही है, चाहे किसी भी संप्रदाय में चले जाओ वहीं कहीं ना कहीं मूर्तियों का स्थान मिलता है। अब मुसलमानों में वो मूर्ति नहीं मानते, मजारे बना दी, तो मजार भी तो मूर्ति है, चाहे वो पड़ी हो चाहे खड़ी हो। तो एक इस्लाम का स्कॉलर बोल रहा था कि मुसलमानों में हिंदुओं में अब एक अंतर है, हिंदू खड़ी मूर्ति को पूजता है, मुसलमान पड़ी मूर्ति को पूजता है। तो मुसलमानों में भी 72 फिरके, ऐसा ना मानो हिंदू ही फिरके, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए कहते हैं सारे मुसलमान एक हैं। सारे एक होते तो ईरान इराक क्यों लड़ता, अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे मुसलमान क्यों लड़ते, सुन्नी सिया क्यों लड़ते, ताजिए क्यों निकालना बंद कराते सुन्नी मुसलमान सिया मुसलमानों के। एकता वहां भी नहीं है, पर वो दिखावे के लिए कहते हैं कि जिससे हिंदू के मन में भय बना रहे कि हम सब एक है। मैंने कहा इस्लाम के एक कई लोग स्कॉलर से बातचीत होती रहती है हमारी, तो हमने कहा तुम्हारे भीतर भी इतने फिरके हैं तुम हिंदू कैसे कह सकते हो, और हिंदू मूर्ति पूजा करते तुम भी तो करते हो, तुमने मजार बना दी। पर इस्लाम के मूल में मूर्ति पूजा नहीं है, कुरान में मूर्ति पूजा नहीं है, मोहम्मद साहब मूर्ति पूजक नहीं थे, आगे उनके फिरके जो बने उन्होंने फिर भिन्न भिन्न अहमदिया बने सुया बने दूसरे प्रकार के बने, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से उनमें मूर्ति पूजा आई। और महाभारत काल तक आर्यों में भी मूर्ति पूजा नहीं थी, सब एक ईश्वर को मानते एक परमेश्वर की उपासना करते। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में महाभारत काल के बाद जब वेद की विद्या लुप्त हो गई तो वेद मंत्रों के से अर्थ ने जानने से रूढ़ी अर्थ निकालने से लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धति प्रारंभ की। नाम तो सारे वेद में है, विष्णु ब्रह्मा महेश सब वेद में है, लेकिन वो अलग अर्थों में है। उन्होंने लोगों ने ईश्वर का अवतार मान के अवतारवाद की अवधारणा पैदा कर दी। लेकिन सबसे पहले मूर्ति पूजा की अवधारणा जैनियों ने प्रारंभ की, इसलिए 2600 वर्ष पहले जब जैन मत प्रारंभ हुआ 2600-2700 वर्ष पहले, तब उन्होंने सबसे पहले मूर्तियां बनाई अपने तीर्थंकरों की। उन्होंने 24 तीर्थंकरों कल्पना की, 24 तीर्थंकर होते हैं, कल्पना में ही है ये। उनका जो आप जैनियों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे उसमें उन्होंने बड़े बड़े कहते हैं बड़े बड़े घोड़े मारे हैं, बड़े बड़े ऐसी बातें कही जो असंभव है। और जैनियों की एक बात और, अपनी पुस्तक दूसरे को पढ़ने के लिए देते भी नहीं। मैं एक बार वहाँ दिल्ली में जहाँ लाल किला है, लाल किले में तो आप में तो बहुत से लोग गए होंगे, चांदनी चौक में लाल किले के ठीक सामने सड़क पार करके इस तरफ तो आर्य समाज है दीवान हाल, इस तरफ जैनियों का एक लाल मंदिर है। तो बहुत वर्ष पहले मैं और एक हमारे मित्र आर्य समाजी हम पुस्तकें लेने गए, 20 साल लगभग हो गए होंगे, तो हम वहाँ 2-3 दिन ठहरे, कुछ घूमना था, पुस्तक खरीदनी थी कुछ आर्य समाज के लिए, तो वो हम उस मंदिर में गए, तो वहाँ गए तो मैं पुस्तकालय में उनका पुस्तकें थी चला गया, तो एक पुस्तक मैंने इतनी मोटी सी पुस्तक थी इतनी मोटी मैंने ले ली, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने सोचा इसको ले चलूँ प्रमाण के रूप में साथ रहेगी, हमें तो ढूंढना पड़ता है प्रमाण पुस्तकों से।
तो मैंने उनसे कहा कितने पैसे के, बोले हम बेचते नहीं है, पुस्तक बेचने के लिए नहीं है। तो जैनी लोग अपने पुस्तक किसी को देते भी नहीं साधारणतया से। तो मैंने कुछ वही पढ़कर कोटेशन दो चार, 10-20 मिनट बैठा, दो चार बातें लिख ली, लेकिन वो इसकी अनुमति भी नहीं देते क्योंकि उसमें बड़ा अंधविश्वास भरा पड़ा। तो जैनियों ने 24 तीर्थंकरों की कल्पना की, ऋषभ देव से लगा करके महावीर स्वामी तक। और उन्होंने अपने उसमें एक भाग बनाया कि देखो मनुष्य नंगा पैदा, उसे नंगी मूर्ति बनाई, उनके ऊपर वस्त्र नहीं है, दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय चला, फिर उसमें दो संप्रदाय हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। दूसरे वो संप्रदाय है उसमें जो सफेद कपड़े पहनते, देखना आपने जैन मुनि बहुत से सफेद कपड़े पहनते और बहुत से नंगे रहते, तो जो नंगे रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा गया है और जो कपड़े पहनते उन्हें श्वेतांबर कहा गया है। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हो गए। जब उन लोगों ने देखा पौराणिक जगत में कि ये तो सारे के सारे लोग जैन होते चले जा रहे हैं, वेद मत को छोड़ रहे, जैनियों ने ईश्वर को भी नहीं माना, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं माना, जैसे बौद्धों ने नहीं माना वैसे जैनियों ने भी नहीं माना। जैन और बौद्ध दोनों ही नास्तिक संप्रदाय हैं, दोनों ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा तक ही विचार किया, इसलिए उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और जैनियों ने बौद्धों ने दोनों ने ही ईश्वर को एक तरफ रख दिया कि ईश्वर नाम को तत्व दुनिया में नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति है और जीवात्मा है। चूंकि प्रकृति दिखाई दे रही है, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, सारा ब्रह्मांड तो प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति भी दृष्टि गोचर है और जीवात्मा भी हम सब हैं। सावधान बैठो भाई ना, इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान में भी सोओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर नहीं होते, इसको कहते हैं द्वैतवाद। सिद्धांत में इसका नाम द्वैतवाद है, जहां दो चीजों को तो मान रहे हैं पर तीसरे को नहीं मान रहे हैं, और दोनों को अनादि मान रहे हैं, जीव को भी और प्रकृति को भी। अनादि तो है लेकिन परमात्मा चूंकि दिखता नहीं है इसलिए परमात्मा है नहीं। तो वहां से जैन मत चला, बौद्ध मत भी ऐसे ही चला, क्योंकि वेदों को ठीक न जानने से, वेदों के अर्थों को ठीक न समझने से ही भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतर पैदा हुए। बौद्ध मत की पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि गौतम बुद्ध, जिसका नाम गौतम था, वो बड़ा दयालु किस्म का व्यक्ति था, अहिंसक था। उसके इतिहास में आता है कि एक बार जब वो युवा था 18-17 साल का, तो उसके चाचा के लड़के ने एक हंस को मार दिया, हंस को तीर मार दिया, तो हंस तो बेचारा तड़प रहा था, तो उसकी मरहम पट्टी जो की वो गौतम ने की, और गौतम ने कहा कि मुझे हंस दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो राजा ने भी कहा कि हंस गौतम को दे दिया जाए। तो गौतम इतना दयालु किस्म का व्यक्ति था, वो अहिंसक व्यक्ति था, हिंसा का विरोधी था, कि बहुत से लोग हृदय से बड़े अहिंसक होते, तो गौतम भी जो थे वो अहिंसक थे, जिसका नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ ने एक दिन देखा कुछ गौ में जा रही है, कुछ बकरे जा रहे हैं, तो बकरों को देखा, बकरों गले माला पड़ी हुई है, माथे पर तिलक लगे हुए हैं। तो उसने उससे पूछा, जो बकरों को डंडा मार करके, छड़ी मार करके ले जा रहा था, जल्दी चलो, भेड़े बकरे बहुत से थे, तो उसने पूछा ये कहाँ जा रहे हो भैया लेकर के? बोले राजा यज्ञ कर रहे हैं, राजा ने यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में ले जा रहे हैं। यज्ञ में क्या होगा? बोले यज्ञ में इनकी बलि दी जाएगी, अजामेध यज्ञ हो रहा है, अजामेध यज्ञ में भेड़ों की बकरों की बलि दी जाती है। तो बुद्ध जो गौतम था, सिद्धार्थ था, उनके साथ साथ चल दिया। उधर यज्ञशाला बनी हुई थी, वहां उस समय के पंडित बैठे थे जो वेदों के मंत्रों को तो पढ़ना जानते थे पर अर्थों को नहीं जानते थे, और अर्थों में भी जैसा शब्द था वैसा, जैसे उसमें एक शब्द आता है मांस, अब मांस, मांस शब्द उड़द के लिए प्रयोग होता है, मांस उड़द के लिए प्रयोग होता है, लेकिन लोगों ने उसको मांस समझ लिया, तो कहा देखो यज्ञ में मांस का विधान है। अजा कहते हैं जौ को, तो जौ की आहुति करने की बजाय अजा मैंने बकरी और बकरे समझ लिया। गोमेध यज्ञ, गो कहते इंद्रियों को, मेध कहते नियंत्रण में रखने को,
मनुष्य को चाहिए इंद्रियों को वश में रख के इसका नाम गोमेद यज्ञ है। उन्होंने क्या समझा, गऊ को मारना, मेद मैंने मारना, गऊ को मार के यज्ञ में देना गोमेद यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को काट के उसकी बलि देना अश्वमेध, जबकि अश्व का अर्थ अश्व वही राष्ट्र। सत्यनारायण जी सावधान हो जाओ, अश्व वही राष्ट्र, अश्व कौन है, अश्व राष्ट्र का नाम है, तो राष्ट्र को बढ़ाने का नाम है अश्वमेध यज्ञ। इसलिए अश्वमेध यज्ञ राजा करते थे, घोड़ा छोड़ते थे, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते थे, तो अश्वमेध यज्ञ उसका नाम था। लेकिन कालांतर में जब अर्थों का अनर्थ हो गया तो उन्होंने क्या किया, अर्थ ने समझने से गो मैंने गाय, अश्व मैंने घोड़ा, अजा मैंने बकरी, इन सबको मार के यज्ञ करने से मेजमान को क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उसके माता पिता को स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसी धारणाएं समाज में पैदा होगी। इसलिए यज्ञ में जब अहिंसा प्रारंभ हुई, धर्म के नाम पर जब अहिंसा प्रारंभ हुई तो सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ। आंख खोल के बैठो, सिद्धार्थ को बड़ा कष्ट हुआ। जैसे सिद्धार्थ ने जाके पूछा आप ये क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में क्या करोगे, बोले इनकी बलि देंगे। बोले बलि देना ठीक बात नहीं है, बोले तो वेद में लिखा है। तो बुद्ध कहते हैं बुद्ध ने वेद पढ़े थोड़े थे, सिद्धार्थ ने वेद पढ़े नहीं थे। उसने कहा जिन वेदों में पशु बलि का विधान, में ऐसे वेदों को ही बोलो नहीं मानता। अब पढ़े थोड़े ही थे, बिना पढ़े कह रहे थे। आज भी ये हमारे बहुत पुराने लोग वेद पढ़ते नहीं, कहते वेद में लिखा है। अभी पिछले दिनों एक जगह मेरी साथ में बात हुई, बोले हम भी तो वेद के मंत्र पढ़ते हैं, ये गणेश के मंत्र वेद में है, सरस्वती के मंत्र में। मैंने कहा पढ़ो वेद का मंत्र। उसने पता गणवामता गणपतुंग हवामहे निधिन्वामता निधिपद। मैंने कहा इसका अर्थ पढ़ो, और इसका अर्थ यदि दयानंद का पढ़ोगे तुम्हारा कल्याण होगा, यदि महीधर का पढ़ोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे अनुकर अर्थ किए गए तो दयानंद की विजय है। दयानंद का इस समय प्रभाव है कि लोगों ने वेद के यथार्थ को जानने का प्रयास किया, जाना है। तो अर्थों का अनर्थ होता चला गया। सायण ने, मणिधर ने, उपट ने, जितने वेद के मध्यकालीन भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने वेद के यौगिक अर्थ न करके रूढ़ी अर्थ कर दिए। रूढ़ी अर्थ का परिणाम यह आया कि यज्ञों में पशु हिंसा मूर्ति आदि का जो है विधान वो वेदों सिद्ध करने लगे, वेद मंत्रों में इतिहास बताने लगे शिव पार्वती आदि का। तो धीरे धीरे वेद की विद्या लुप्त होने से पाखंड अंधविश्वास फैलता चला गया। बंधुओं, तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तो वेदों को नहीं मानता। तो ब्राह्मणों ने कहा वेद तो ईश्वर का ज्ञान है, वेद तो किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, वेद तो परमात्मा ने दिए हैं। सिद्धार्थ ने कहा जो परमात्मा वेदों में पशुओं की हत्या का विधान कर, तो मैं ऐसे परमात्मा को भी बोलो नहीं मानता। इसलिए निरीश्वरवादी हो गए, इसलिए बौद्ध मत में ईश्वर को नहीं मानते, जैन मत में भी ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने मूर्तियों को ईश्वर मान लिया, तीर्थंकरों को अवतार मान लिया। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे लोग जैनी हो जाएंगे, जैन मत बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, तो फिर लोगों ने दूसरे प्रकार की मूर्तियां बनाई, शिव की, पार्वती की, विष्णु की, और फिर धीरे धीरे पौराणिकों ने अपने अपने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि आदि, और उनके तर्ज पर दूसरे मंदिर बनने प्रारंभ हुए, जिनमें सुंदर सुंदर मूर्तियां राम कृष्ण आदि की रखी महापुरुषों की। और जैसे जैनियों ने 24 तीर्थंकरों की कल्पना की थी, वैसे ही पौराणिकों ने भी 24 अवतारों की कल्पना की। कितने अवतार होते हैं जी, 24 अवतार, माने नहीं माने, 24 अवतार मान लिए। राम भी अवतार हैं, कृष्ण भी अवतार हैं, परशुराम भी अवतार हैं, लक्ष्मण भी अवतार हैं, सबको अवतार माना गया। कुछ विष्णु के अवतार हैं, कुछ शिव के अवतार हैं, कुछ ब्रह्मा के अवतार हैं, कुछ दूसरे अवतार हैं, नारद भी अवतार हैं। और उन अवतारों के नाम पर फिर 18 पुराण बनाए, और एक दूसरे के काठ में बनाए, एक दूसरे के विरोध में बनाए। आप जब पुराणों को पढ़ोगे तो उसमें एक दूसरे का विरोध आपको दिखाई देगा, और ऐसी ऐसी कहानियां उसमें मिलेंगी जिस पर कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता, जो विश्वसनीय ही नहीं हो सकती, केवल कल्पना में है। ऐसे बड़े बड़े जैसे गपोड़े जैनियों ने मारे थे, उनसे बड़े गपोड़े उन्होंने मारे। गपोड़े को गपोड़ा हराता है ना,
तो एक गपोड़े को हराने के लिए दूसरा गपोड़ा, ऐसे गपोड़े मुसलमानों ने मारे, उनके विरोध में हमारे वालों ने मारे। अब कैसे देखो, एक गपोड़े के बाद दूसरा गपोड़ा शुरू हुआ, एक ने गपोड़ा किया, दूसरे उससे बड़ा गपोड़ा मारा। एक ने कहा देखो हमारे एक पैगंबर हुए, पैगंबर पैगंबर से एक दिन कहा, मोहम्मद साहब से किसी ने एक दिन कहा, यदि आप सच्चे हो तो कहो चांद से चांद के टुकड़े हो जाएं। देखो गपोड़ों कमी कहीं नहीं है, जो उनसे अपने कहते हैं बड़े फिलोसफर, उनके पढ़ लो किताबें, केवल वेद ज्ञानी सच्चाई धर्म से लिखा, वेद ज्ञानी क्या है बोलो, पकड़ सको तो पकड़ लो वरना गोते खाते फिरोगे, कोई रास्ता है नहीं। उसने लिखा कि कहा कि यदि तुम सच्चे हो तो कहो चांद से टुकड़े हो जाएं। तो उन्होंने ऐसे उंगली उठाई और एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, चांद के चार टुकड़े हो गए। बताओ जी, अभी साईयों की सुन लो, जो उनसे दुनिया को सहकरण करने में लगे कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े तात्विक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। वो लिख रहे हैं एक नूह नाम का वैज्ञानिक, वो था पैगंबर, नूह नाम था उसका, और वो समुद्र में खड़ा था, इससे बड़ा कपड़ा और क्या, वो कहाँ खड़ा था समुद्र में, उसके घुटनों तक पानी आ रहा था, कितना लंबा हुआ जरा सोच लो, समुद्र में खड़ा था, घुटनों तक पानी आ रहा था। और अगली बात सुनो, और क्या कर रहा था, समुद्र में से मछली पकड़ता था, सूरज में भूनता था और खा लेता था। अब पृथ्वी से 13,00,000 किलोमीटर दूर सूरज, इससे बड़ा कपोड़ा हो सकता है, बोलो आर्यो। अब हमारे वालों ने कहा तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तो पैगंबर की बात करते, हमारा तो पैगंबर भी नहीं था, पैगंबर का नौकर था हनुमान, तुम तो भूनने की बात कहते हो। हनुमान ने तो बड़ेपन में नहीं, बचपन में, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीन लोग भयो अंधियारो। जब हनुमान बचपन में बच्चे थे ना, तब एक दिन खेलते खेलते उनकी दृष्टि ऊपर को गई, तब ये कागज पत्नी सेव जैसा क्या टकराया आकाश में, तो आकाश की यात्रा प्रारंभ कर दी और जा करके हनुमान जी ने बोलो सूरज को, जल्दी बोलो सूरज को, एक गपोड़े का बड़ा बाप गपोड़ा। ये सारे गपोड़े इस तरह लिखे गए एक दूसरे के विरोध में, जैनियों ने लिखा उसके विरोध में, पौराणिकों ने लिखे, लेकिन है सारे झूठी, सत्य तो कोई किसी का भी नहीं है। ना कोई सूरज को मुंह में रख सकता, और ना कोई सूरज में बोलो मछली भून सकता, और ना कोई बोलो चांद के टुकड़े कर सकता, सारे अलंकार ये झूठी है, लेकिन एक के झूठ को दूसरा क्या झूठ काटने में लगा हुआ है। कहते मैं तेरे से बड़ा कपोड़ा मारूंगा। एक ने कहा कि हमारे घर में इतना बड़ा लंबा बांस है कि उसको ऐसे घुमाते हैं, तो हमारे दादा के पास है ऐसा बांस, आकाश में घुमाते हैं तो बोलो नहीं वर्षा हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कपोड़े होते हैं दूसरे के प्रति, झूठ बोलने में लोग लगे रहे, और पुराण इन्हीं आधार पर लिखे गए, पुराणों में एक से बड़ा झूठ लिखा पड़ा है, कुरान बाइबल में ऐसे ही है, हदीसों में ऐसी बातें लिखी हुई है, लेकिन उनको लोग धर्म ग्रंथ मानने लगे, धीरे धीरे पाखंड बढ़ता चला गया, ईश्वर की उपासना की जगह मूर्तियों की उपासना होने लगी, भगवान के स्थान पर क्या रखे जाने लगे, पत्थर की प्रतिमाएं हो गई। जो लोग ईश्वर निराकार परमेश्वर का चिंतन करते थे वो सारे के सारे क्या हो गए बोलो, अंधविश्वासी हो गए, मूर्ति पूजक हो गए, जैन और बौद्ध हो गए। तब जब जैन और बौद्धों का प्रभाव बढ़ा, तभी केरल में नमूद्रीपाद ब्राह्मणों के घर में शिव गुरु नाम के एक व्यक्ति के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था शंकर, जिसको आदि शंकराचार्य के नाम से दुनिया जानती है। ये जैनियों के संप्रदाय के उत्पन्न होने के 300 वर्ष बाद पैदा हुए, अर्थात अब से लगभग 2200-2300 वर्ष पहले आचार्य शंकर का जन्म हुआ। शंकर जब बड़ा बुद्धिमान बालक था, थोड़ा सा बड़ा हुआ 10-15 साल का, तो देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, लोग ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी आयु में संन्यास ले लिया और गौड़पाद आचार्य के पास में जाकर के विद्या प्राप्त की, और विद्या प्राप्त करके वह व्यक्ति वेद के
इस सिद्धांत को लेके चला, क्योंकि शंकराचार्य ने वेदों को तो नहीं पढ़ा था लेकिन वेदांत दर्शन को पढ़ा था, उपनिषदों को पढ़ा था, इसलिए वो ईश्वर को मानते थे, जीव और प्रकृति को नित्य नहीं मानते थे। उन्होंने कहा केवल ईश्वर की सत्ता है, जीव और प्रकृति की सत्ता नहीं, जीव और प्रकृति दोनों परमात्मा में से पैदा हुए हैं। क्योंकि जैनियों ने जीव और प्रकृति को माना था, उन्होंने जीव और प्रकृति को छोड़ किसको माना, परमात्मा को। तो किसी की लाइन को छोटा करने के लिए अपनी लाइन तो बड़ी करनी पड़ेगी ना, और शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने में निकल पड़े। जैनियों का प्रभाव का काल तक सुधन्वा नाम का राजा था, उज्जैन का राजा सुधन्वा, वो संस्कृत भाषा में कुछ पढ़ा हुआ था। सुधन्वा राजा के पास जाकर के शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के फिर उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ जैनियों के साथ में। तो सुधन्वा राजा को संस्कृत भी पढ़ा था, इसलिए उसके मन में संस्कृत के कारण से ज्ञान विज्ञान था, लेकिन वो था जैनी। उसने शास्त्रार्थ कराए, जैनी हारते चले गए, जैनी अपनी मूर्तियों को धरती में गाड़ना शुरू किया, मंदिरों को तोड़ा नहीं। शंकराचार्य ने कहा इनमें पाठशालाएं खोलेंगे, और शंकराचार्य प्रचार करते चले गए। मंडन मिश्र का किस्सा भी उस बीच में आता है। उससे पहले एक विद्वान और हुए इतिहास में जिनका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट चले जा रहे थे एक दिन, उनके गुरु जैन गुरु थे, उन्होंने संस्कृत विद्या पढ़ी थी, कुछ वेदों का भी ज्ञान उनको था। कुमारिल भट्ट नाम था उनका साहब। कुमारिल भट्ट चले जा रहे थे तो एक युवती अपने महल के ऊपर खड़ी थी, राजा की पुत्री, तो उसके आंसू पड़ रहे थे। और जब वो आंसू पड़ रहे थे, उसके रो रही थी वो, तो उसके आंसू कुमारिल भट्ट के कमर पे आकर के पड़े। उसने ऊपर देखा तो वो लड़की रो रही है, वो कह रही है कि आज वर्तमान में कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो वेद धर्म की रक्षा कर सके, जो वेद की रक्षा करे, वेद के सिद्धांतों की रक्षा करे। कुमारिल भट्ट ने कहा मैं रक्षा करूंगा। कुमारिल भट्ट ने वेदों का प्रचार प्रारंभ किया, लेकिन शंकराचार्य के आने से पहले कुमारिल भट्ट को जो, क्योंकि कारण एक है, समाज में काम करने के लिए आत्मिक बल की बड़ी आवश्यकता है। दयानंद सरस्वती को आत्मिक बल बहुत था, साधक व्यक्ति थे वो, इसलिए मान अपमान में सम रहते थे। लेकिन कुमारिल भट्ट उतने साधक नहीं रहे होंगे, पर वेद के प्रचार में लगे रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान इसके लिए, उनका नाम याद किया जाएगा। उन्होंने वेद का उस समय प्रचार प्रारंभ किया जब वेद की ज्योति बुझ रही थी, जब जैन और बौद्ध नास्तिक मत देश में बढ़ते जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने काम किया, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय और प्रशंसनीय व्यक्तित्व है। लेकिन जैनियों ने उनको कहा कि तुम गुरुद्रोही हो, गुरुओं की निंदा करते हो, तो इतने परेशान हुए कि भूसी में आग लगा करके जल करके समाप्त हो गए। शंकराचार्य को विष दे दिया गया, दो कपिटी कपट वेश में आए उनके शिष्य बनने के लिए, और शंकराचार्य को जहर दे दिया, और मात्र 30-32 आयु की वर्ष की आयु में ही शंकराचार्य दुनिया से चले गए। तो वेद के प्रचार का मार्ग फिर अवरुद्ध हो गया, और इस प्रकार से दुनिया में धीरे धीरे मूर्ति पूजा बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा के विरोध में दूसरे मत मतांतर जैसे मुसलमान ईसाई आदि खड़े होते चले गए, ईसाई बने, ईसाइयों से फिर मुसलमान बने, और धीरे धीरे मूर्ति पूजा का परिणाम ये आया कि जो बड़े बड़े मंदिर थे वो टूटने प्रारंभ हुए। मूर्ति पूजा से केवल व्यक्ति की सामाजिक हानि नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय हानि भी हुई है। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर टूटा, किस भाव से टूटा, किस कारण से टूटा, कि लोगों के भीतर अंधविश्वास था कि मूर्ति अपनी रक्षा अपने आप करेंगे। मूर्ति कभी अपनी रक्षा बोलो नहीं कर सकते। आपने चित्र घर में लगाया है तो चित्र की रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है। आपने घर बनाया है, घर अपनी रक्षा अपने आप नहीं किया करता, घर की रक्षा तो घर के मालिक को करनी पड़ती है साहब। आप सोचो कि मूर्ति रक्षा कर लेगी, इसे का नाम क्या है बोलो, अंधविश्वास। बस ये अंधविश्वास समाज के भीतर हो गया कि मूर्ति रक्षा करेगी। सोमनाथ का मंदिर इतना विशाल, जिसकी संपदा को लूट करके गजनी 900 ऊंटों पर लेके चला गया गजनवी गजनी में,
अब सोचो कितनी बड़ी लूट रही होगी, ये तो गुजरात की घटना है। मंदिरों की कुसंपत्ति तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, मंदिरों पर मस्जिद बनाई गई। 3,500 मस्जिदें ऐसी देश में बताते हैं जो मंदिर तोड़ के बनाएंगे। 3 तो बड़े स्थान है सब जिन पर झगड़ा चला हुआ है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव की जन्मभूमि, शिव का मंदिर वहां काशी में, काशी विश्वनाथ जिसके ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद खड़ी है, और कृष्ण जन्मभूमि जिस पर मस्जिद खड़ी है, जिसके गर्भगृह के ऊपर एक दीवार मस्जिद वही खड़ी है, और राम जन्मभूमि का आंदोलन 500 वर्षों तक चला। 500 वर्ष बाद जाकर के यह मंदिर बनने की स्थिति आई है, कई लाख लोग मर गए, शहीद हो गए। यदि मूर्ति पूजा ना होती तो बोलो देश का ना धन जाता, ना अस्मिता जाती, ना हमारे देश पर कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर सकता था। देश के राजा भी मूर्ति पूजक हो गए, और धीरे धीरे जैन और बौद्धों का प्रभाव हुआ तो बौद्ध हो गए, और बौद्धों ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। परिणाम क्या आया, दूसरे लोग आक्रमण करते चले गए, हमारी शक्ति कम होती चली गई। इसका परिणाम तो आप नया ताजा देखो, उदाहरण स्वतंत्रता के बाद गांधी जी नेहरू ने कहा कि हम अहिंसक बन के रहेंगे, चीन ने आक्रमण कर दिया। क्या नहीं किया बोले तो आपके आंखों देखी बात है, और कई हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारा दबाया, क्यों दबाया, हम छुड़ा नहीं पाया आज तक उसको। इसलिए हम अहिंसक हैं जरूरी है, पर दूसरा व्यक्ति हिंसक हो तो उसके रक्षा, पागल कुत्ते से रक्षा करना अहिंसक व्यक्ति का धर्म है कि नहीं बोलो। कोई पड़ोसी आपका हिंसक है तो आपको रक्षा तो करनी पड़ेगी। आप भले अहिंसक हो, आप किसी को मारते नहीं हो, आप किसी को कष्ट नहीं देते, पर दूसरे कष्ट से तो बचना पड़ेगा कि नहीं बचना पड़ेगा बोलो, अपना बचाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कहा सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, 10,000 सैनिक कुल थे उसके पास। राजा ने कहा पता चला है गजनी से गजनवी आ रहा है आक्रमण के लिए, पंडित 800 पंडित पुजारी थे मंदिर में 800, उन्होंने कहा भेजे, बोले कोई जरूरत नहीं है, सोमनाथ हमारी रक्षा भी करेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे, मूर्ति थोड़ी रक्षा करती। और परिणाम आपके सामने, इसलिए जड़ को चेतन मानने का परिणाम ही आया। यदि हम जड़ को जड़ मान करके उसको मानते तो कभी भी हमारी हानि नहीं होती। इसलिए अविद्या का दूसरा भाग है जड़ को चेतन मान लेना और चेतन को। ओम देव शांति, रंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते।